पार्टी के खाते सीज किए जाने के विरोध में आज राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहाँ पर तमाम विधायक भी मौजूद हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं और ये सभी लोग इनकम टैक्स ऑफिस के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं। सर, आज ये प्रदर्शन का कोई वजह? सर देखिए, ये प्रदर्शन तो जुल्म हो रहा है पूरे देश में। किसान परेशान है, किसान पर लाठी चल रही है, गोली चल रही है, किसान मर रहा है और कांग्रेस के खाते इसलिए सीज कर रहे हैं कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं निकल पाए। तो कांग्रेस को मारने की जो साजिश आप कर रहे हो, जब आप हमें मारने आओगे तो लड़ेंगे तो सही भाई, वो देश की आजादी की लड़ाई थोड़ा ना जो गोलियां खा ले। आप हमारे ऊपर गोली चलाओ क्या करेंगे, मार जाए। कांग्रेस को जो मारने की साजिश ये कर रहे हैं, जिस तरह का जुल्म कर रहे हैं, वो साजिश चलने वाली नहीं है। देश के समझ में आ रही है, पूरी बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस को बिल्कुल खत्म करने की साजिश ये कर रही है बीजेपी वाले, और उस साजिश का जवाब देने के लिए पूरा देश खड़ा हो जाएगा, लड़ाई होगी। ये जो लड़ाई आज किसान लड़ रहा है, ये भी लड़ाई कांग्रेस की। न्याय यात्रा राजस्थान में आने वाली है, क्या उससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो एकजुट आप बार बार बात बात कर रहे हैं, एकजुट है सफल बनाएंगे, उसको डिमोरलाइज करने का? डिमोरलाइज आप बताइए, बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है। बीजेपी तो वर्टिकल डिवीजन पे चुनाव लड़ना चाहती है ना, हिंदू मुसलमान पे। लोगों के समझ में आ रही है ना, हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से, वोट से मतलब है। हिंदुओं में डर पैदा करके बीजेपी वोट लेना चाहती है, तो हिंदू तो कभी डरा ही नहीं, हिंदू मुसलमान में तो झगड़ा ही नहीं है, इंसानियत से तो बड़ा कोई धर्म नहीं। राम तो सबके हैं भाई, अब राम के नाम से, राम का नाम ले लिया आपने, अब आपने इतना बड़ा पेटेंट करा लिया, तो आप डर क्यों रहे हो? क्यों कांग्रेस वालों को तोड़ तोड़ के ले जा रहे हो? फिर अपनी बात पे खड़े हो ना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ने में लग गए, खुद के पास लीडरशिप नहीं है इसलिए कांग्रेस के नेताओं की तोड़ फोड़ मथुरा काशी की बात करने लग गए। नहीं, मथुरा और काशी तो हमारा ही है, वो बात नहीं कर, उनको कुछ नहीं करना है, माहौल बिगाड़ना, देश का माहौल बिगाड़ कर वोट लेना चाहती है बीजेपी। ये सुन लेना, बीजेपी का दाव चलेगा नहीं, बीजेपी का दाव चलेगा नहीं है। विधायक है अमीन कागजी है, उनसे बातचीत करते हैं। खाते सीज हो रहे हैं, सबसे ज्यादा करप्टेड पार्टी आपकी है, इस तरह का बीजेपी बार बार इस तरह की बातें करती है, कितना असर करेंगे? इनका जो प्रोपोगंडा है, सबसे बड़ा भय जो है वो राहुल गांधी से है। राहुल गांधी की यात्रा को कैसे रोका जाए? नेचुरली राहुल गांधी की यात्रा पे कांग्रेस पार्टी अपना पैसा खर्च कर रही है। ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकले, समझ लो आप मेरी बात, इसलिए ये तुरंत फुरंत में करी हुई। सीज करने का कोई कारण, कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए तो राहुल जी कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पे जिस तरीके से इन्होंने कुठाराघात किया है और उनका हनन हो रहा है, उनको यूज करा जा रहा है, लोगों को डराने में, भय पैदा करने में, उनकी जो जिस तरीके से इनकी रणनीति है, ये चलने वाली नहीं है। देश सारी बातें समझ रहा है, वक्त आएगा जब एक एक आदमी इनसे हिसाब लेगा। अमीन कागजी हैं विधायक, साफ तौर पर कह रहे हैं वक्त आएगा तो एक एक आदमी हिसाब लेगा बीजेपी वालों से, क्योंकि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। और यही कारण है कि आज राजस्थान कांग्रेस की ओर के जयपुर की सड़कों पर आयकर विभाग तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया गया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज किए जाने के विरोध में राजस्थान कांग्रेस द्वारा जयपुर में आज पैदल मार्च निकाला गया। आयकर विभाग के दफ्तर तक ये लोग पैदल मार्च करते हुए जा रहे थे। स्टैचू सर्कल पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इन लोगों को इस तरह से रोक लिया, जिसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर भी चढ़ गए हैं और यहां से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन सबको रोका। इनके हाथों में इस तरह से यहां पे लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से खाते सीज किए गए, इस तरह का ये आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि मोदी सरकार के द्वारा जो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ वह आए दिन अब सड़कों पर उतरेगी। और उसी के तहत आज एक बड़ा प्रदर्शन रैली निकाल कर किया गया है, जिसमें कई विधायक और पूर्व मंत्री भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम अग्रिम संगठनों को भी यहां पर आने का कहा गया था और उसी का ये नतीजा है कि आज इस तरह से बैरिकेड्स पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जयपुर की सड़कों पर खड़े नजर आए। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24।